नो 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 बच्चों। और दीदी लाओ मैं इसे चुप करा दूँ। जिगर शगुन में कुछ पैसे दे दो। ये भागने का अच्छा मौका है। मैं अपने ये 25 से वापस कैसे लूं? परिधि बच्चे को मुझे दो, मैं चुप करा दूंगी। तुम किधर है? राधा इधर आ। इंस्पेक्टर उस मालिश वाली को लेकर आ रहे हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, क्या आपने इसे पकड़ लिया? वो तो ठीक है, इस औरत के पास भी आप सब लोगों के खिलाफ एक शिकायत है। शिकायत? कैसे शिकायत? इसकी शिकायत यह है कि आप सभी लोग अपनी बहू को टॉर्चर करते हैं। क्या? इंस्पेक्टर ये झूठ बोल रही है। मैं बताती हूँ आपको दरोगा जी, इन्होंने अपनी बहू को बंधक बना के रखा हुआ है और उसे उसकी डिग्री भी छीनना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठ कह रही है। सच तो ये है कि ये हमारी बच्ची को लेके भाग रही थी। मैं भाग नहीं रही थी, राधा और उसकी बच्ची को बचा रही थी। आपका दिमाग ठिकाने है? आप क्या कह रही है इंस्पेक्टर? ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। इसका तो यही अर्थ हुआ कि वो सारा किया तरह राधा का था।
मतलब है आप लोगों ने जबरदस्ती अपनी बहू को रखा हुआ है। इतना ही नहीं, आप उसका बच्चा भी छीनना चाहते हैं। ये झूठ है, मैं आपसे तब से कह रही हूँ इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सच है या झूठ है इसका फैसला तो कानून करेगा। पहले आप अपनी बहू को बुलाइए। क्षमा कीजिएगा, लेकिन राधा हमारी बहू नहीं है। राधा, राधा, कृष्ण भगवान, पालना भी खा लिए, अच्छी बिटिया भी नहीं है। अहम, कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा राशि बिटिया को लेकर भाग गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें जल्द से जल्द राधा को ढूंढना होगा। राधा, 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 तो अपने कमरे में भी नहीं है, कहीं कहा? अब हमें चलना चाहिए, पिस्ता कहाँ है? आ गया पिस्ता, चल पिस्ता। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, ये कुत्ता भी जहरीला बिस्किट खाकर मर जाएगा। राधा, राधा, माँ जी ये देखिए। ये तो वही है जिन्हें बाथरूम दिखाने के लिए मैं यहाँ लेकर आई थी। और माँ जी, ये साड़ी तो राधा की है जो उन्होंने पहनी है। हमें हमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखनी होगी। जिगर चलिए काकी जी, नीचे चलते। सविता बहन, पंडित जी माफ कीजिएगा, घर में कुछ अनहोनी घटना घटित हो गई है तो कार्यक्रम को आगे जारी नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए आप कृपा करके बस आ कीजिए। कैमरे की फुटेज। जिगर, दूसरे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज दिखाओ, जल्दी। जी काकी जी। ये राधा हमारी राशि के साथ क्या करेगी? ऐसा वो बेईमान लड़की मेरी बेटी को लेकर भाग गई है, प्लीज कुछ करिए। किंजल,
बच्चों को अंदर ले जाओ। ठीक काकी, चलो। इंस्पेक्टर, बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम तब से आपसे कह रहे हैं कि राधा हमारी बहू नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो हमारी बच्ची को लेकर भाग गई है। इसलिए कृपया समय नष्ट किए बगैर आप राधा को पकड़ने का प्रयास कीजिए। और हमारे पास कानूनी कागजात भी है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये बच्ची अब हमारे पास रहेगी, क्योंकि राधा ने भले उसे जन्म दिया हो लेकिन वो मानसिक रोगी है, वो बच्ची का पालन पोषण करने में असमर्थ है। ठीक है, हम लोग उस लड़की को ढूंढते हैं। अगर आप लोग गुनहगार पाए गए तो आप सब लोग अरेस्ट हो सकते हैं। मैं भी जाकर राधा को बाहर ढूंढता हूँ। भाई, भाई मैं भी आपके साथ चलूंगा। अहम जी, देवर जी, मैं भी आप सबके साथ चलूंगी। नहीं गोपी, तुम यही रुको। नहीं अहम जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा था, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ। मैं ही भावुक हो गई थी, इसलिए मुझे लगने लगा कि वो सुधर जाएगी, पर नहीं, राधा कभी नहीं सुधर सकती। गोपी बाऊ, अपने मन को मजबूत बनाओ, हमें हमारी बिटिया अवश्य मिल जाएगी। अहम, तुम और जिगर जाओ, जाकर राधा को ढूंढने का प्रयास करो, हम गोपी का ख्याल रखेंगे। जीवो, गोपी प्लीज मुझ पर भरोसा रखो, मैंने कहा मैं दोनों को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। अहम जी प्लीज मुझे ले चलिए। दिख रहा सब ठीक हो जाएगा, चल जी। हे कृष्ण भगवान, नन्ही सी मासूम सी राशि, उसकी रक्षा कीजिएगा कृष्ण भगवान। क्या क्या दे दिखा इस लड़की ने, बस गरीब थी। चुप हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा हमारी राशि को। तेरी राशि कहाँ होगी, किस हाल में होगी? कान्हा जी है ना, ऐसी खुराफाती छोकरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं हमारी राशि के साथ वो क्या करेगी। नहीं नहीं मामी जी, ऐसा मत कहिए, हमारी राशि को कुछ नहीं होगा। मुझे मुझे अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये दादा आखिर कहीं कहा हो? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।